भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को करारा जवाब दिया है। विधानसभा अध्यक्ष अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर लगातार संसदीय अपराध कर रहे हैं। पहले उच्च न्यायालय और अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रहलाद लोधी के पक्ष में निर्णय दिया है, इसके बावजूद उन्हें विधायक के अधिकारों से वंचित किए हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष अल्पमत की सरकार बचाने के लिए लगातार गलत कार्रवाई कर रहे हैं। हम विधि विशेषज्ञों से राय लेकर प्रहलाद लोधी के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे। मध्य प्रदेश की सरकार और विधानसभा अध्यक्ष जी ने जिस तरह से विधायक प्रहलाद लोधी जी के प्रकरण में राजनीति की, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका करारा जवाब दिया। कल्पना करें, 2/11 को निचली अदालत ने प्रहलाद लोधी जी के खिलाफ में एक फैसला दिया सजा का। अकेला 3 तारीख मिली और 4/11 को अध्यक्ष जी ने उसको सदस्यता समाप्त करने का चुनाव आयोग को भेज दिया। 6/11 को हाई कोर्ट का निर्णय आ गया और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो 6/12 है, 1 महीना हो गया। एक असंवैधानिक काम, एक इलीगल काम के कारण से एक विधायक को अपने विधायी कर्तव्यों को पूरा नहीं करने, संसदीय अपराध मध्य प्रदेश की विधानसभा के सचिवालय के कहने पर अध्यक्ष ने किया, जो बहुत ही चिंताजनक है। आज सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो बात कही उसी को सच माना। हम पूरी विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं कि प्रहलाद लोधी जी के द्वारा उनको उनके कर्तव्यों का पालन 1 महीने तक नहीं कर देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रबले जा सकता है क्या, विशेषाधिकार भंग की सूचना दी जा सकती है क्या, और अगर दी जा सकती होगी तो हम देंगे, जिससे भविष्य में कोई विधानसभा अध्यक्ष किसी सदस्य के अधिकारों के खिलाफ इस तरह का न करे। हठधर्मता कारण सिर्फ इसलिए कि अल्पमत की सरकार है, और कैसे हम विधायकों की विधायकी समाप्त करके अपनी सरकार बचाए, न खाद की चिंता करें, न प्याज की चिंता करें, सिर्फ सरकार बचाने की चिंता करें। ये चिंता की बात है, ये निंदा की बात है, और मैं घोर निंदा करता हूं।